A very good morning to all my dear students. Today we are just going to continue our previous video of the lesson The Madam Rides the Bus. Now we are just going to discuss here about the third of the part of this very lesson. Now let's get started. Now in this video we are just going to do the explanation in Hindi and English, as well as we are just going to mark some of the difficult word meanings. So you have to do all these things in your FAIR notebook. Now let's get started from the first paragraph of the third part. Here it says, her first journey was careful, painstaking, elaborate plans she had had to make for it. She had thriftily saved whatever stock coins came her way, assisting every temptation to buy the peppermints, toys, balloons and the like. Finally, she had saved a total of 6 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. Now, in this very paragraph, we come to know that what are the painstaking things which we have just taken by the valley for riding the bus. हैज़ बीन डिस्क्राइब हियर. यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस तरीके से वली ने अपने पैसे जमा किए, किस तरीके से वो राउंड अबाउट में नहीं जा पाई जो झूला होता है, और किस तरीके से उसने अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाया, किस तरीके से उसने बहुत जितनी टेम्पटेशन लालसाइन थी, पेपरमेंट्स, टॉयज एंड ऑल दिस थिंग्स, इन सब चीज़ों पर काबू किया और अपने पैसे बचाए. वो स्पेशली उस बच्चे के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पैसे बचाना जिसके पास विलेज फेयर में जाने का पूरा मौका हो और वहाँ पर घूमने और फिरने और झूला झूलने तक की आज़ादी हो, लेकिन फिर भी वो उसके पास पैसे उतने ही हो जितने वो एक टाइम खर्च कर सकती है. अब उसने उस टाइम के पैसे बचाकर अपनी बस राइड के लिए पैसे बचा लिए. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, राइट. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's acknowledge. अब ये सब तो हो गया कि उसने मनी सेव कर लिया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये थी कि वो अपनी मम्मी को बिना बताए कैसे चली जाए. बट शी मैनेज दिस, लेकिन उसने भी मैनेज कर लिया विदाउट टू मच डिफिकल्टी, बिना किसी ज़्यादा डिफिकल्टी के. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो. हर ये उसके लिए आसान क्यों था, क्योंकि उसकी मम्मा जो थी उसको नैप लेने की यानी कि नींद लेने की आदत थी कुछ 1 से 4 बजे तक कुछ ऐसा. तो वली उस टाइम का यूज़ अपने यू कैन से बस ट्रैवलिंग में कर सकती थी. वो ज़्यादातर अपने 1 to 4 hours जो 1 PM to 4 PM जो टाइम होता है वो बाहर के चीज़ एक्सकर्शन देखने में बिताती थी, राइट. तो अब वो यही टाइम अपना कहाँ यूज़ कर सकती है, वही टाइम वो अब अपना यहाँ बस राइड में यूज़ कर सकती है. कि उसे पता था, उसने पहले प्लान कर लिया था कि किस तरीके से वो 1 बजे यहाँ से चलेगी, 1 बजे के बाद 1:45 2:45 वहाँ पहुँच जाएगी, 2:45 का 3 वापस, 3 वहाँ से 3 बजे वापस बस चलेगी, फिर 3 जैसे 3 o'clock हो जाएंगे यू कैसे रियली सॉरी फॉर दैट 1:45 पे वहाँ पहुँचेगी, 2 or 2:30 के आसपास बस चलेगी, 3:45 तक वो वापस घर आ जाएगी. तो 4 o'clock उसकी मम्मा जगती है, तो उससे पहले वो घर वापस आ जाएगी, राइट. नाउ हियर सेज और सम इवन वेंचर्ड आउट इन द इन टू द विलेज. हियर वेंचर्ड मीन्स टू वेंट कॉशियसली और करेजली, बहुत देख पूर्वक यानी कि बहुत देखभाल से बाहर गई, बहुत साहस के साथ. बड़ा बड़ा कार्य है छोटे से बच्चे के लिए कि बाहर जाना, राइट. सो टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट एक्सकर्शन आउट साइड द विलेज. इसलिए उसने तय किया कि वो अपने ये आवर्स कहाँ यूज़ करेगी, विलेज से बाहर जाने के लिए. द बस रोल्ड ऑन कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप. अब वो वापस प्रेजेंट में आ जाती है. इससे पहले हमने उसकी क्या चीज़ देखी है, वो एक फोर शेडो दिखा रही है, यानी कि वो एक जनरली फाइल से. तो यहाँ एक वो जो आपको प्रीवियस चीज़ें बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें प्रीवियस यानी नॉस्टैल्जिक होकर वो सोचते हैं कि उसने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, राइट. सो यहाँ फ्लैशबैक टेक्निक भी यूज़ की गई है. सो द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप. अब एक अच्छा सा मैदानी एरिया है जहाँ पर बहुत सुंदर पेड़ पौधे हैं. अब उसके बीच में से बस जो है वो जा रही है. नाउ रशिंग थ्रू ए टेनी हैमलेट और पास एंड ओट वे साइड शॉप. अब एकदम से जैसे वो लैंडस्केप से बाहर जाती है तो एकदम से भीड़ भड़ाके वाले में आ जाती है.
ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े चीज़ों से एक छोटी सी शॉप में घुस जाना, राइट। सम टाइम द बस सिम्स्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉस द रोड्स। सम टाइम कुछ बार ऐसा होता था कि द बस सिम बस जो है वो प्रतीत होती थी ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप, जब वो ऊपर की तरफ जाती थी, कि अनदर व्हीकल दैट कम टुवर्ड्स देम और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉस द रोड। तो जैसे ऊपर नीचे होती थी तो उसको ऐसा फील होता था जैसे कुछ चीज़ें कि वो कहीं पेडेस्ट्रियन के ऊपर से ना गुजर गई हो या फिर दूसरे जो व्हीकल्स आ रहे उनके ऊपर से ना गुजर गई हो। सो ऐसा उसे लगता था, बट लो ऐसा नहीं था। सम हाउ इट पास स्मूथली, पर ये अपना आराम से चल रही है, लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, सारी चीज़ें आराम से सारे परेशानियों को पीछे छोड़कर वो आराम से चल रही है। सो ट्रीज कम रनिंग टूवर्ड्स दैम बट देन स्टॉप एज द बस रीच दैम एंड सिंपली stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in other direction. अब जैसे हम कभी भी बस में ट्रैवल करते हैं तो आपको लगता है कि पेड़ जो है वो भागे भागे आ रहे हैं हमारे पास, और जहाँ जब उनके प्लेस आ जाता है जहाँ हम उन्हें देखते हैं, जहाँ वो खड़े होते हैं वहाँ देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि किस तरीके से पेड़ जो है वो तो खड़े ही हैं, वो तो कहीं से भाग कर नहीं आ रहे थे, और जैसे ही हमारे पास आगे चले जाते हैं तो हमें लगता है कि वो पीछे छूट जाते हैं। तो यही सब सीनरी जो है बताई गई है कि किस तरीके से हमारी वल्ली को चीज़ें नज़र आ रही थी और किस तरीके से वो एक्सपीरियंस ले रही थी। सो आफ्टर दैट सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, अब एकदम से सन्नी वल्ली जो है किसी बात को देख कर बहुत जोर से हंसती है और क्लैप करती है बड़ी खुशी से, ग्ली हाँ हैप्पीनेस है। A young cow, tail of the high in the car was running very fast, rightly in the middle of the road, rightly in front of the bus. अब उस क्या देख कर वो काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी, वो हो रही थी कि एक यंग काउ है वो भागी हुई जा रही है और पूछ हवा में उठाई हुई है, वो भागी हुई जल्दी से आ रही है और मिडल ऑफ रोड में चल रही है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल उनके बस के सामने। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, बिल्कुल बस जो स्लो हो गई है, रेंगते हुए चल रही है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, ड्राइवर है वो बार बार हॉर्न लाउड कर रहा है बारी बार में, बट द मोर ही हॉन्ग्ड, वो जितना हॉन्ग मार रहा है यानी कि हॉर्न कर रहा है, हॉन्ग मीन्स होता है हॉर्न करना, देन द मोर फ्रीटेंड द एनिमल बिकेम द फास्टर इट गलोप्ड, जितना वो पी पी करके जितना भी अपना हॉर्न बजा रहा है उतने से वो डर रही है और भी ज़्यादा बुखला रही है, इधर से उधर भाग रही है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, वो कहाँ पर भाग रही है, बस ऑफ इन फ्रंट ऑफ द बस के यानी कि बस के सामने से ही भाग रही है। देखिए यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, तो आपको इस बस के सामने ये बस जो है यू कैन से गाय है वो भाग रही है। नाउ हियर वी हैव सम ऑफ द अदर पैराग्राफ सेस, समहाउ दिस वाज वेरी फनी टू वली, किसी ने कारण वो जो खुश हो रही थी उसके लिए तो ये एक अच्छा था कि कोई गाय है वो साथ में भाग रही हो, तो एक बच्ची है, राइट। शी लव्ड एंड लव्ड अंटिल देयर वाज टियर इन हर आई, और तब तक हंसती रही तब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। कई बार ऐसा कहते हैं ना कि हंसते हंसते मेरी आंखों में आंसू आ गया, दैट मीन्स ही इज नॉट लिटरली क्राइंग, बट वो हंसते हंसते उसकी आंखों का प्रेशर इतना होता है कि पानी बाहर आ जाता है। हे लेडी हैवंट यू लव्ड एनफ, कॉल द कंडक्टर, अब उसको लेडी करके बोलता है। लेडी एक्चुअली एक ऐसा रिस्पेक्टेड वर्ड है जो हम किसी हाई क्वालिफाइड और क्लासिफाइड एक औरत के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पर कंडक्टर जो है वो ही कहता है हे लेडी, श्रीमती क्या आप ज़्यादा नहीं हंस चुके हैं, काफ़ी हो गया हंसना, बेटर सेफ सम फॉर टुमारो। इट मीन वो कह रही है कि तुम कल के लिए कुछ तो बचा लो कि आज ही हंस लोगी सारा, राइट। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, अब जो काउ है वो रोड से उतर जाती है और रेल रोड क्रॉस कर जाती है, राइट, यानी रेलवे ट्रैक जो कर क्रॉस कर जाती है। ए स्पैक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग वीकर एंड वीकर एज इट ड्रू नियर, एक ट्रेन जो है कुछ इस तरीके से है, सॉरी अभी जो क्रॉस नहीं करके गई है, अभी तक सिर्फ रेलवे रोड क्रॉसिंग पर ही हमारी बस है, रियली सॉरी फॉर दैट। तो वहाँ पर जैसे हमें दूर से रेल आती हुई दिखाई देती है तो वो जल्दी जल्दी नज़दीक आती जाती है, वैसे वैसे वो बड़ी होती जाती है, राइट, ऐसा ही वली के लिए है, लेकिन वो बड़ी नहीं होती, वो ऑलरेडी उतनी साइज़ की होती है, बस वो हमें डिस्टेंस से छोटी दिखाई देती है, जब वो नज़दीक आ जाती है तो वो और भी बड़ी दिखाई देने लगती है, राइट। एट लास्ट द काम मूड ऑफ हो गया,
नाउ देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमुलस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस. अब क्या है कि जैसे ही फाटक खुलती है तो वैसे ही बहुत सारे जो व्हीकल्स जो खड़े होते हैं वो वहाँ पर ना धक्का मुक्की करके आगे जाने की कोशिश करते हैं कि हम पहले चले जाएँ, यानी कि नॉट ऑफ धक्का मुक्की ऑफ टाइप बट दे वॉन्ट टू शिफ्ट देयर व्हीकल फॉर द लॉन्ग एज दे हैव स्टूड ओवर देयर क्रॉसिंग रेल रोड क्रॉसिंग्स. सो दे वो जल्दी से जाना चाहते हैं तो जल्दी से आगे रश कर देते हैं. देन इट रश पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस. बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल बन जाता है वहाँ पे. देन द बस वेंट ऑन, बस चल पड़ती है एंड पास द रेल ट्रेन स्टेशन और जो रेलवे ट्रैक है उसको पार कर जाती है. फ्रॉम देर इट ट्रेवल्ड बिजी वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइट थ्रू फेयर्स. अब वहाँ से चलकर वो कहाँ जाती है, वहाँ से चलकर वो बिल्कुल एक बिजी रश शॉपिंग स्ट्रीट में चली जाती है. वहाँ से मुड़कर वो थ्रू फेयर के पास चली जाती है. थ्रू फेयर क्या होता है, एक पब्लिक बिजी रोड होता है जहाँ पर लोग खरीदारी भी करते हैं और साथ में व्हीकल्स भी होते हैं. राइट, सच ए बिग ब्राइट लुकिंग शॉप. यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जो शॉप्स हैं विथ व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ अदर मर्चेंडाइज सच बिग क्राउड्स. अब वली के लिए तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वो एकदम से चमकदार कपड़े देखती है, मर्चेंडाइज होता है, कुछ चीज़ें जो सेल के लिए रखी जाती है तो सेल के लिए बहुत सारी चीज़ें थी और वो देखती कि बहुत ज़्यादा क्राउड भी है. नाउ स्ट्रक डंब विद वंडर. अब वो लेकिन चुप रहती है बिल्कुल, क्योंकि वो अब सरप्राइज हो जाती है इतना सब कुछ देख के. वली कैप्ट एट एवरीथिंग, वो हर एक तरफ घूर घूर कर देख रही होती है. देन द बस स्टॉप, बस जो है वो रुक जाती है एंड एवरी वन गेट ऑफ एक्सेप्ट वली. सभी उतर जाते हैं पर वली नहीं उतरती. द कंडक्टर कहता है, हे लेडी आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, तुम्हें अब नीचे नहीं उतरोगे. दिस इज एज फार एज यू 30 पैसे टेक्स यू, ये उतना ही है जितना तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हैं. वली कहती है, नो आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. मैं बस में वापस अपने घर इसी बस में जाऊंगी. शी टुक अनदर 30 पैसे हट फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर. वो अपने 30 पैसे निकालती है और कंडक्टर को थमा देती है. वाई इज समथिंग द मैटर. अब कंडक्टर पूछता है, क्या कोई दिक्कत है तुम्हें यहाँ उतरने में. नो नथिंग द मैटर. अब वली कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. I just feel like having a bus ride, that's all. बस मुझे बस राइड लेनी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. डोंट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हेयर. क्या तुम्हें कभी भी आज तक ऐसी साइट नहीं देखी जो तुम यहाँ हो, यानी कंडक्टर पूछता वली से. ऑल बाई माई सेल्फ, मैंने खुद से. आई वुड बी मच टू अफ्रेड, क्योंकि मैं बोल रहती थी इसलिए मैंने कभी नहीं देखा. ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड. उसकी बातों से काफ़ी मतलब हैरान होकर वो पूछता है, खुश होकर पूछता है, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस. तुम्हें तो बस में डर भी नहीं लगा. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट शी आंसर्ड. यहाँ डरने की क्या बात है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है कि हम बस से आ रहे हैं. वली आंसर करती है, वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू रीड. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर. जैसे तुम्हें यहाँ डर नहीं लगा तो तुम यहाँ भी नीचे उतर सकती हो और वहाँ पे से कुछ खाने पीने का ले सकती हो. क्या तुम कुछ पीना नहीं चाहती हो, जाओ वहाँ स्टॉल पर जाओ. ओ नो आई कुड नॉट डू दैट. वो कहती है, ओ मैं ऐसा नहीं कर सकती. वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक. तो मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ. राइट, नाउ हियर इज सम ऑफ द क्वेश्चंस रेज बाय हियर. नो द क्वेश्चन हियर सेज, नो आई डोंट हैव एनफ मनी. अब वली जो है वो कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं. जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल. मुझे मेरे टिकट ही दे दो, मैं उसमें ही खुश हूँ. मुझे सिर्फ ट्रैवल करना था, नथिंग एल्स. आई विल बी माई ट्रीट, ना इट विल बी माई ट्रीट. ये तो मेरी तरफ से ट्रीट लगा लो, नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. एक भी कॉस्ट नहीं होगा तुम्हें. नो नो शी सेड फेमली प्लीज़ नो. वो कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए. The conductor shrugged and they wanted until it was the time for the bus to begin the return journey. Again, there weren't many passenger. अब क्या है कि वो तब तक एक दूसरे से ऐसी ही बातें करते रहते जब तक कि पैसेंजर जो हैं वो आ नहीं जाते. और अब वापस जाने की बारी आ चुकी है, बस जो रिटर्न होने के लिए रेडी है. तो वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा पैसेंजर नहीं है. वो रस्ते में से चढ़ते हैं बट उसमें भीड़ हो जाती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वी हैव टू आंसर दैम.
1, 2, 3, and 4. First he says, how did Vali save up money for her first journey? Was it easy for her? देखिए, जो पैसे बचाना वो इजी नहीं था, बट वो घर से निकलना दैट वाज इजी. तो इजी किस लिए नहीं था सेव मनी? बिकॉज़ वो एक बच्ची है और बच्ची अपनी ख्वाहिशों पर काबू पा रही है और फेयर में जाकर भी कुछ चीज़ें नहीं खरीद रही है. दैट मीन्स इज सो अनइजी फॉर हर. सेकंड इज, व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? उसने ऐसा क्या देखा अपने रास्ते में जिसकी वजह से बहुत हंसी? उसने वो गाय देखी जो पूंछ उठाकर भाग रही थी. थर्ड वन इज़, वाई डिडन शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? बस स्टेशन पर क्यों नहीं उतरी? क्योंकि उसके पास ना वहाँ खरीदने का कुछ प्लान था और ना ही उसके पास पैसे थे, इसलिए उसके पास जो किराया बचा हुआ था वो जिससे अपने घर वापस जा सकती थी, द ओनली थिंग. फोर्थ, वाई डिडेंट वली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक? क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे. वट डज दिस टेल यू अबाउट हिम? कि शी इज़ अ सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल एंड शी इज़ ऑल्सो द सेल्फ ओपीडियंट एंड अ पर्सन जो किसी की ऊपर यू कैन से स्ट्रॉन्ग माइंडेड वली हियर से. तो यहाँ पर ये साइड जो है वली की वो दिखाई जा रही है. नाउ नेक्स्ट, द फोर्थ पार्ट सेज, वुडंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? तुम्हारी मम्मा तो मैं देख नहीं रही होंगी? द टिकट कंडक्टर आस्ट व्हेन ही गिव द गर्ल हर टिकट. वो उसकी टिकट देते हुए से पूछता, तुम्हारी मम्मा तो मैं देख नहीं रही होंगी? नो नो नो, वन विल बी लुकिंग फॉर मी. कोई नहीं देख रहा होगा मुझे, उसने कहा. द बस स्टार्टेड, वो बस स्टार्ट हो जाती है एंड अगेन देयर वाज द सेम वंडरफुल साइट्स. अब दोबारा से वली के लिए वो सारे वंडरफुल साइट्स शुरू हो जाते हैं जो उसने पहले आते हुए देखे थे. वली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम. वो जाते हुए भी बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, जितनी खुश वो आते हुए थी वैसे ही वो एक्साइटमेंट के साथ जाते हुए भी थी. बट सडनली शी सॉ एक यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. बट सडनली उसने क्या देखा, एक यंग काउ है रोड साइड, यानी कि उसी एक रोड के साइड में वो मरी हुई गिरी है. जस्ट वेयर इट हैज़ बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. ऐसा लगता है जैसे उसकी टक्कर हुई हो किसी ज़्यादा तेज भाग रहे किसी व्हीकल से. इजंट दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन? शी आस्क्ड कंडक्टर. कंडक्टर से पूछती, क्या ये वही काउ है जो हमारी बस के सामने भाग रही थी जब मैं टाउन की तरफ हम जा रहे थे? तो कंडक्टर कहता है, ही नॉडेड, नॉडेड मीन सिर हिला देता है हाँ में. एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वो एकदम से वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है. वट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल वाइल अगो एंड हैड नाउ सडनली लॉस्ट हिज चार्म्स एंड हिज लाइफ एंड लुकिंग सो हॉरिबल सो फ्रिटनिंग एज इट ले देयर लेग्स spread eagled, it means spread out, eagle की तरह spread out होना. A fixed stare in its lifeless eye, blood all over. अब जो कंडक्टर है वो उसको बताता है कि हाँ ये वही काव है, सेम काव है. तो इसे कहती है कंडक्टर, वो सोचती है कि अभी तो कितनी प्यारी सी एक ब्यूटीफुल सा क्रिएचर है जो कुछ देर पहले ही अपने आप को इतना प्यारा सा चार्मिंग दिखा रहा था, लेकिन अभी उसका चार्म खो गया, लाइफलेस हो गया है. टांगे उसकी बिखरी हुई हैं, आँखें ठहरी हुई हैं, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड है. ये चीज़ उसको काफ़ी सैड कर जाता है. द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर. जैसे जैसे बस जो मूव करती है, जो डेड काउ है उसकी मेमोरीज उसको हॉन्ट करती हैं, दुख देती हैं, डराती हैं. डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, जो भी वो जोश के साथ वापस जाने की सोच रही थी वो उसका डैम्प हो जाता है, गिर जाता है. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो. अब वो ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी विंडो के बाहर नहीं देख रही है. बिकॉज शी बिकम सैड, शी सैड दस ग्लू टू हर स्टेक. अब वो बैठ जाती है जैसे उसको सीट से किसी ने चिपका दिया हो. अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज 34. अब वो 340 पे जो है विलेज पहुँच जाते हैं, वो वहीं बैठी रहती है. शी स्टूड अप, वो उठती है एंड स्ट्रेट हर्सल और अपने आप को मतलब अंगड़ाई लेती है. देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन. वो कहती है कि हम शायद जल्दी ही मिलेंगे. ओके मैडम, ही आंसर्ड हर. वो कहता है जी मैडम बिल्कुल जल्दी मिलेंगे. स्माइलिंग वेट अप वेन एवर यू फील लाइक बस राइड, कम एंड ज्वाइन अस. जब भी तुम्हें कोई राइड करना हो तुम आना और मेरे साथ ज्वाइन कर लेना. एंड डो नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और हमें किराया लाना मत भूलना. शी लव्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस. वो आती है और बस से कूद जाती है. एंड
अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, वो सीधा भागकर घर जाती है. व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट दैट वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट दिस आंट वॉज रियल चटरबॉक्स एंड एवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्ट टॉकिंग. वो देखती है कि उसकी मम्मा जो है वो जग चुकी हैं और उसकी मम्मा के पास कौन है, एक आंटी हैं. वो आंटी साउथ स्ट्रीट से आई हैं जो हमेशा चैटर बॉक्स बहुत ज़्यादा बातें करने वाला इंसान होता है, जो कभी भी अपना मुंह बंद ही नहीं करती हैं जब वो बात करना शुरू कर देती हैं तो. एंड वे यू हैव यू बीन सेड हर आंट वैन वली केम इन, जब वैसे वली आती है तो उसकी आंट पूछती है तुम कहाँ थी. शी स्पोक वेरी कॉजली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, वो उसने काफ़ी ऐसे कैजुअली बोल दिया. सो उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो वली इसके बाद सिर्फ स्माइल करके जाती है. एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन हर देयर कन्वर्सेशन, उसके बाद उसकी और उसकी मम्मी क्या है कन्वर्सेशन में वापस लिप्त हो जाती हैं. यस यू आर राइट हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस एंड इन आवर द वर्ल्ड साइड वर्ल्ड आउटसाइड हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरी थिंग. अब उसकी मम्मा है वो कहती है उसको हाँ तुम सही कह रही हो, वो किसी बात पर बात कर रहे थे उसी बात पर आगे जो मूव फर्दर हो गया उसकी मम्मा कहती है कि हाँ तुम सही कह रही थी, हम संसार में रहकर भी हमारे बीच हो रही जो चीज़ें हैं उनकी भी हम पॉसिबिलिटीज़ नहीं बता सकते कि क्या होने वाला और कैसे होने वाला है, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हम किसी के बारे में पूरा जान पाए. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कैंट अंडरस्टैंड इट्स कम्प्लीटली कैन वी, और अगर हम जानते भी उसके बारे में तो हम उसे कम्प्लीटली नहीं जान सकते. क्या जान सकते हैं? अब वो ब्रिट वली वली कहती है ओ यस बिल्कुल जान सकते हैं. आज और मदर क्या जान सकते हैं? व्हाट डज यू से, क्या कहा तुमने? ओ सैड, अब वली कहती ओ आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, मैं तो बस आपके साथ एग्री कर रही थी जो आप कह रहे हो अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट और आवर नॉलेज, चाहे हम इसे जानते हो नहीं जानते हो चीज़ें ऐसे ही होती हैं. जस्ट अ चीट ऑफ ए गर्ल शी इज सेड हर आंट and yet look how she pokes her nose into our conversation just as though she were a ground lady. अब उसकी आंट जो है वो ये कहती है कि वो कितनी मतलब एकदम से अपने उसे चिट फेंक देना होता ना, हाँ भाई इस बात को उसने पूरी सहमति दे दी कि येस दिस कैन बी हैपन. तो उसकी जो आंट है वो कहती है कि हमारी कन्वर्सेशन के बीच में एक ऐसी ग्राउंड लेडी, बिल्कुल एक वेल यू कैन से ग्रॉन लेडी है उसकी तरह ये बात कर रही है. तो उसका देखती है कि उसने हमारे कन्वर्सेशन में बीच में ना घुसा दी है. इट मीन्स पोक हर नोज दैट मीन्स दिस टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डज नॉट कंसर्न हर, राइट. सो वली स्माइल टू हर सेल्फ, वो अपने लिए बहुत खुश है. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो चाहती भी नहीं कि वो क्यों मुस्कुरा रही है ये पता लगे किसी को. बट देन देर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, बट ऐसा कोई चांस भी नहीं था कि उसके बारे में किसी को हंसी के बारे में पीछे पता चले कि वो कहाँ गई है कैसे गई है. सो दिस हैज़ बीन द एंड ऑफ योर लेसन, आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू नाउ. इट हैज़ बीन रिटन बाई के एस सुंदरम एंड इट हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड बाई आर के लक्ष्मी. सो यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर फेवरेट नोटबुक एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल डू द नेक्स्ट वीडियो. Thank you.